नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग शक्ति स्वरूपों की पूजा की जाती है। पूरे मुंबई में भक्त नवरात्र को लेकर खूब उत्साहित रहते हैं। देश भर में नवरात्र को लेकर सभी लोग उत्साहित रहते हैं। वहीं शिवसेना आमदार उम्मीदवार पांडुरंग सकपाल शाखा प्रमुख राजेश आवलेगाकर और शिव विवाह तूक सेना की महिला महाराष्ट्र राज्य चिटनेस शर्मिला भोसले मुंबई सेंट्रल के अलग अलग पंडालों में माता के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने गीतांजलि कोलकाता स्थित बाल मित्र हाजी कसम चाल संतोषी माता मंदिर जैसे पंडालों में जाकर माता के दर्शन किए। हर साल की तरह इस साल भी माता के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इन पंडालों के द्वारा डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय रहवासी शामिल होते हैं और माता के गानों पर नाचते झूमते हैं। गीतांजलि सार्वजनिक उत्सव मंडल है यहाँ पे मुंबई सेंट्रल पे, यहाँ पे मैं आया हूँ और इस मंडल में अक्सर मैं गणपति के दर्शन के लिए भी आया था। आज नवरात्र के उत्सव पर जगदम्बा का दर्शन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत खुशी हो गई, लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह है, उमंग है और साथ में लोग चाहते हैं कि चुनाव का ये माहौल है और इस चुनाव के माहौल में लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम हो जाए और महाराष्ट्र में जो जो समस्या है, जो जो आपत्ति है, वो आपत्ति दूर होनी चाहिए। साथ में एक अच्छा महाराष्ट्र, नव महाराष्ट्र निर्माण करने के लिए शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, युवा सेना प्रमुख और शिवसेना के नेता आदित्य जी ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने महाराष्ट्र को अच्छा नवनिर्माण करने की कोशिश की है। आगे भी वो कोशिश करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा में फिर एक बार भगवा लहराएगा और साथ में इस भगवे के साथ में मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र भी पीछे नहीं रहेगा। इस मुंबादेवी विधानसभा क्षेत्र में देखिए इस बार परिवर्तन अटल है, परिवर्तन होगा, जरूर होगा। 100% यहाँ की जनता पिछले जो उम्मीदवार थे, पिछले जो आमदार थे, उनसे बहुत परेशान है। काफ़ी समस्या का अभी तक निराकरण हुआ नहीं है और मुंबादेवी की जनता भी चाहती है कि इस साल उनको इस इलाके में परिवर्तन चाहिए और इस बार मुंबादेवी में किसी भी हालत में शिवसेना भाजपा महायुति का उम्मीदवार चुनकर आएगा और इस उम्मीदवार के रूप से मैं खुद यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ के लोग मुझे पूरा सहयोग करेंगे और भारी बहुमतों से यहाँ से मुझे चुन के लाए। सबसे पहली समस्या तो यहाँ का पुनर्विकास का है। जूनी इमारतें जो है, काफ़ी जूनी इमारतें हैं और इस इमारतें बहुत पुरानी होने के कारण बार बार गिरती हैं, बार बार यहाँ मनुष्य हानि होती है और मनुष्य हानि होने के कारण बहुत सारे फैमिली आज उनका संसार उध्वस्त हो गए हैं और इसीलिए जूनी इमारतों का मरम्मत करने के लिए या उसका पुनर्विकास करने के लिए गवर्नमेंट के लिए खास योजनाएं हैं, खास पॉलिसी है, उस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मैं पूरा गवर्नमेंट के साथ में रहूँगा। गवर्नमेंट को ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरा मैं उनको प्रेशर करूंगा और ये करके ही रहूंगा। बाल मित्र नवरात्र उत्सव प्रतिष्ठान मुंबई सेंट्रल ची राजमाता, याचा 52वा वर्ष आहे आणि आम्ही दरवर्षी इथे खूप धूमधामने साजरा करतो। दिवाळी, दसरा वगैरे, नवरात्र पण आमची जोरात असते। तर आमच्याकडनं सगळ्यांना खूप खूप दसऱ्याच्या शुभेच्छा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।